प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की 125वीं जयंती के मौके पर 125 रुपए का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मारक सिक्का जारी किया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री ने स्वामी प्रभुपाद को एक अलौकिक कृष्ण भक्त बताया और कहा कि वो एक महान देशभक्त भी थे। जैसे साधना का सुख और संतोष दोनों एक साथ मिल जाए, इसी भाव को आज पूरी दुनिया में श्रील प्रभुपद स्वामी ने लाखों करोड़ों अनुयायी और लाखों करोड़ों कृष्ण भक्त स्वाभाविक रूप से अनुभव कर रहे हैं। मैं सामने स्क्रीन पर अलग अलग देशों से आप सब साधकों को देख रहा हूं। ऐसा लग रहा है जैसे लाखों मन एक भावना से बंधे हो, लाखों शरीर एक कॉमन कॉन्शियसनेस से जुड़े हुए हो। ये वो कृष्ण कॉन्शियसनेस है जिसकी अलग प्रभुपाद स्वामी जी ने पूरी दुनिया तक पहुंचाई। साथियों, हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।